बिल्कुल संपर्क है। जयराम महतो के नेतृत्व में युवाओं का भीड़ जुट रहा है और देवेंद्र महतो के नेतृत्व में भीड़ भिड़ने वाला है, झारखंड बंद कर रहा है। हमारे माध्यम से जयराम महतो को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से जयराम महतो के करना चाहते हैं कि आज से 38 साल पहले सूर्य सिंह बेसरा हुआ करता था और सूर्य सिंह बेसरा जिंदा है। यहाँ लिख लुढ़ा पड़ पत्थर अंगूठा छाप बना हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। झारखंड का पतन का कारण है अनपढ़, गंवार, ठिपा छाप और लठाइत लोग आया हुआ है। ये दूसरा बिहार से बदतर बना दिया। और यहाँ कैशलेस पॉलिटिक्स होगा, कैशलेस। और यहाँ जो आज तक पॉलिटिक्स कर रहा बेसलेस, मतलब ना खाता ना खतियान, मैं तेरा मेहमान। झारखंड को बचाना होगा तो जो युवा शक्ति उभर कर आया है इन युवाओं के हाथ में ये गठबंधन, माफ कीजिएगा ये पार्टी गठबंधन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं इसमें, और कोई एमएलए, एक्सएमएलए, एक्सएमपी नहीं होगा। जो एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा हो और समर्पित है वैसे लोगों को तैयार किया जाएगा। और विशुद्ध रूप से जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो दागी व्यक्ति हैं, वो कहीं भी और कभी भी इस मंच में उम्मीदवार नहीं बन सकता है। और जो खतियान है जिसका, उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे। और महिलाओं को हम लोगों का रणनीति अपना लिया है कि भाजपा गठबंधन, भाजपा को भगाओ, जेएमएम को हटाओ, तीसरा मोर्चा को लाओ। ये आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आज झारखंडी खतियानी मोर्चा, यानी ये तीसरा राजनीतिक विकल्प बन चुका है। काफ़ी चिंतन मंथन के बाद ये 2014 के लिए हम लोगों ने ये नीति निर्धारित किया है कि तीसरा विकल्प के अलावा और दूसरा कोई राजनीतिक विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि 22 वर्षों के अंदर में बारी बारी से पक्ष और विपक्ष, कभी मिली जुली सरकार बनी, कभी एक तरफ पक्ष, आज ये सत्ता पक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, तो कभी बीजेपी और जेएमएम गठबंधन भी सरकार बनी है, चाहे अर्जुन मुंडा के 3 बार मुख्यमंत्रित्व काल में, चाहे शिबू सोरेन के 3 बार मुख्यमंत्रित्व काल में। ये कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ नीतिगत होता है कि कोई अगर लेफ्ट है तो राइटिस्ट है, ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। राजनीति में सिद्धांतिक रूप से देखा जाता है, वैचारिक रूप से कौन लेफ्टिस्ट है, कौन राइटिस्ट है, लेकिन इन लोग तो, इन लोग बिल्कुल, इन लोग अपॉर्चुनिस्ट है। ये आज दिखता है कि सत्ता पक्ष में जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, ये आरजेडी है, और कल मिलीजुली सरकार बन जाएगा तो बीजेपी जेएमएम गठबंधन हो जाएगा। ये लोग परहेज नहीं है। दूसरी बात है, झारखंड आंदोलन, झारखंड निर्माताओं में से मैं एक हूँ, उनमें से आज युवा पीढ़ी जो उभर कर सामने आया है, एक खतियानी लड़ाई लड़ रहा है। स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो पाया है, नियोजन नीति परिभाषित नहीं हो पाया है, आरक्षण नीति जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ओबीसी को 27% देना है, अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1993 में 27% ओबीसी को देना है सेंट्रल जॉब में, स्टेट जॉब में। लेकिन जब से झारखंड अलग राज्य बना है ओबीसी को मात्र 14% दे रहा है। अभी जो रिसेंटली सामान्य वर्गों को नया अमेंडमेंट करके 10% कर दिया है, इसमें जीरा रोस्टर में ऐसा गड़बड़ी कर दिया कि 7 जिलों में ओबीसी जीरो कर दिया और 24 जिला में ये जो सामान्य वर्ग के 10% ये सबको 10-10 कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रोस्टर बिल्कुल यह रॉन्ग है। एक तरफ से एक वर्ग, युवा वर्ग, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के आवाम को आंदोलित कर रहा है, एक वर्ग, एक ग्रुप सीधे भिड़ रहा है, लड़ रहा है, और हम लोग जो तीसरा इधर विकल्प के लिए ये जो मंच बना हुआ है, ये मोर्चा बना हुआ है, ये 2024 के लोकसभा और 2024 में विधानसभा की रणनीति को बन गया। विगत बैठक में 24 जिला का संयोजक मंडल ही बन चुका है, 5 प्रमंडल आए उसका संयोजक बन चुका है। आज उन संयोजक मंडली की बैठक हो रही है,
और आज का नीति निर्धारण में 23 मई से 30 जून तक 23 मई से 30 मई से 30 जून तक एक महीना के अंदर में आवेदन निवेदन लिया जाएगा। कौन अपने इच्छा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, विधानसभा में 81 सीटें हैं, कौन लड़ना चाहता है। हम लोगों ने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के जरिए अपील किए थे, जो आज कुल मिला के 8 आवेदन आया हुआ है। आज के तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के प्रार्थियों का आवेदन हो गया और 8 को आवेदन अभी पड़ गया, यानी आज से 30 जून तक आवेदन चलेगा। और जितने आवेदन चलेगा उन लोगों को स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद उनका विधायकों की पाठशाला खोलेंगे, विधायकों की पाठशाला मतलब लीडरशिप ट्रेनिंग, 6 महीना का ट्रेनिंग होगा, जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीना। और 6 महीना ट्रेनिंग में हम लोगों ने तय किया है कि जुलाई महीना में 3 दिवसीय पोलान प्रमंडल का जामशेदपुर में होगा, 3 दिन, 1, 2, 3। अगस्त महीना में पलामू प्रमंडल का नेतारहाट में 3 दिन करेंगे, टोटल उम्मीदवार वहाँ बैठेंगे। उसके बाद सितंबर में 1, 2, 3 उत्तरी छोटनागपुर का धनबाद में जो मैथन डैम है वहाँ पे लीडरशिप कैंप होगा, और संथाल परगना में 6, 7, 8 संथाल परगना दुमका में होगा, और सबसे लास्ट में ये रांची में होगा। तो ये 5 प्रमंडल में जो आवेदन आएंगे उसका होगा। उसका उद्देश्य कि हमारा कोर्स है, कोर्सेस ऑफ स्टडी में पहले पढ़ाया जाएगा भारत का संविधान, फिर पढ़ाया जाएगा छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट क्या है, फिर पढ़ाया जाएगा संथालपना टेंडेंसी एक्ट क्या है, फिर पढ़ाएगा सिलेबस में पेशा कानून द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, फिर फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिकार। तो इस तरह के तमाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कैसे स्थानीय नीति बनेगा, कौन आर्टिकल में बनेगा, नियोजन नीति भारत के कौन संविधान में आता है, आरक्षण नीति में आर्टिकल 340 में ओबीसी का क्या प्रावधान है, 341 में शेड्यूल कास्ट का क्या है, 342 में शेड्यूल टाइप एसटी का क्या है, प्रमोशन कैसे बनता है, डिस्ट्रिक्ट का रोस्टर क्या बनता है, जो ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, हमारे जो आने वाला 2024 में जो 81 प्रत्याशी फाइनल लिस्ट होगा वो जनवरी से उनको फील्ड में तैयार किया जाएगा। और यहाँ कैशलेस पॉलिटिक्स होगा, कैशलेस, और यहाँ जो आज तक पॉलिटिक्स कर रहा बेसलेस, मतलब ना खाता ना खतियान मैं तेरा मेहमान, खनिज संपदा मिलता है, खोजने से भ्रष्टाचार मिलता है, पूजा सिंगल निकलता है, छवि रंजन निकलता है, कर्मचारी निकलता है, यहाँ लूट ही लूट है माइनिंग का सब चीज का। झारखंड को बचाना होगा तो जो युवा शक्ति उभर कर आया है इन युवाओं के हाथ में, ये गठबंधन माफ कीजिएगा ये पार्टी गठबंधन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं इसमें, और कोई एमएलए एक्सएमएलए एक्सएमपी नहीं होगा, जो एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा हो और समर्पित है वैसे लोगों को तैयार किया जाएगा। और विशुद्ध रूप से जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो दागी व्यक्ति हैं, वो कहीं भी और कभी भी इस मंच में उम्मीदवार नहीं बन सकता है, और जो खतियान है जिसका उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे, और महिलाओं को कम से कम 25-30% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये प्रोसेस शुरू किया है। 2024 में तख्ता पलटना ही नहीं, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करना है, और नौजवानों को ऐसा ट्रेंड करना पड़ेगा जैसे यूपीएससी में ISIPS तैयार होता है, BDO CO ट्रेंड होता है, नर्सिंग ट्रेनिंग तो नर्स बनते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग BEd में तो टीचर बनता है, LLB करता है तब लॉयर बनता है, BEd करता है तब टीचर बनता है। यहाँ लिक लुढ़ा पड़ पत्थर अंगूठा छाप बना हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, झारखंड का पतन का कारण है, अनपढ़ गंवार ठिपा छाप और लठाइत लोग आया हुआ है, ये दूसरा बिहार से बदतर बना दिया। जैसे युवा लोग लड़ रहे हैं अभी आप देख लीजिए ना, विधानसभा में प्रदर्शन कर रहा लाठी डंडा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास जा रहे हैं तो वहाँ पे खदेड़ा जा रहा है। नियम ये है कि कोई भी आंदोलन करे
कोई भी आंदोलन करे, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, सरकार का नियम है लोकतंत्र में उन प्रतिनिधि से बात करे। लेकिन आज तक छात्र और जुवन युवाओं ने जो लगातार 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं वो लाठी डंडा खा रहे हैं। JPSC बर्बाद हो चुका है, हाईकोर्ट उस पर डंडा कर चुका है कि आज तक स्थानीय नीति जो नियोजन नीति हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दिया है, स्थानीय नीति 1932 का गवर्नर लौटा दिया फाइल, लेकिन आज भी 40 और 60 और 40 नहीं चलतो, ये अभी भी आंदोलन चल रहा है। 60 किया है, 14 किया है, एकदम परहेज कर रहे हैं। इसीलिए आप सरकार ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, देख रहे हैं ना, ये आज हो गया, मई हो गया, 2 दिन बाद जो है ना जून आ जाएगा, मात्र 6 महीने रह गया, और इससे कोई मांगने का जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी इनको राइट टू रिकॉल 11 तारीख को सबको 81 मुख्यमंत्री समेत 81 विधायक को बाय रेस्टी चला गया है। इनको पूछिएगा कि सूर्य सिंह बेसरा आपने सिग्नेचर करके आपको क्या क्या संविधान में बताया जो आपको करना चाहिए, आपने नहीं किया, और स्वतः जो है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने 5 पेज का संविधान का हवाला देते हुए लेटर बाय रेस्टी आ गया, किसी का मुंह खुला नहीं हो सकता, प्रेस को बताया गया नहीं, लेकिन लेटर मिल गया 81 MLA को, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री को। इन लोगों को मांगने से नहीं देगा और इन लोगों को गरजने से भी नहीं होगा। इसीलिए आप समय नहीं है, मात्र 6 महीना इस साल का, इस साल में हम लोग टीम को तैयार कर लेंगे, नौजवान ही सब कुछ है, आने वाला दिन में लोग दागी और बागी को प्रश्रय नहीं देंगे युवाओं को। हम लोग पहले आपने कहा था कि जो भी युवा बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे हम उनसे संपर्क करेंगे, इस बीच क्या जयराम महतो हालांकि सबसे ज्यादा अभी सामने आ रहे हैं उभर करके, क्या उनसे आपका संपर्क किया? बिल्कुल संपर्क है, जयराम महतो के नेतृत्व में युवाओं का भीड़ जुट रहा है और देवेंद्र महतो के नेतृत्व में भीड़ भिड़ने वाला है, झारखंड बंद कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, और हम लोग जो है ना उन्हीं लोगों नौजवानों को लेकर के विकल्प बना, एक नया राजनीतिक पार्टी का खिचड़ी नहीं बना रहे हैं। वो जो नौजवान आंदोलित हो रहा है उनमें से जो इच्छुक आदमी है, यहाँ जितना आवेदन आ जाए, 8 गो आवेदन आया है, अभी सारे नौजवान है, कभी भी चुनाव नहीं लड़ा और भाषा आंदोलन खतियान आंदोलन से उभर कर आ रहा है। हम लोग बुजुर्ग लोग उम्रदार लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम लोग इन्हीं को लड़ाएंगे। तो ये मान के चले कि जो ये तीसरा मोर्चा झारखंडी खतियानी मोर्चा जो बना है इसका मुख्य चेहरा जयराम महतो हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें सामूहिक नेतृत्व होगा, सामूहिक चिंतन होगा, सामूहिक निर्णय होगा, मतलब कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव जो है ना, हम लोग जो भी निर्णय लेंगे सामूहिकता पर आधारित है। जैसे एक चीज़ है जो झारखंडी जो संस्कृति कहा जाता है, गांव में गांव का प्रधान बैठता है बैठक ही, वहाँ सब लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं। यहाँ एक सूर्य सिंह बेसरा भी सुप्रीमो नहीं होगा, RJD का सुप्रीमो लालू यादव, JMM का सुप्रीमो शिबू सोरेन, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें हम लोग 5 प्रमंडल का संयोजक मंडल ही है और 24 जिला का संयोजक है, सारे लोग मिल के असेंबली में डिसीजन होगा और ये बात करके विपार करके। इसीलिए किसी का एक चेहरा, जयराम महतो का चेहरा, देवेंद्र महतो का चेहरा या सूर्य सिंह मिश्रा का चेहरा, एक चेहरा से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे माध्यम से जयराम महतो क्या सकते हैं? आपके माध्यम से जयराम महतो के करना चाहते हैं कि आज से 38 साल पहले सूर्य सिंह मिश्रा हुआ करता था और सूर्य सिंह मिश्रा जिंदा है। मैं लीडरशिप नहीं बल्कि हम गार्जियनशिप आज दे रहे हैं। उन्होंने भी मैं कई कई 15 से 20 सभा को हम साझा कर चुके हैं, वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जनमानस के बीच में जा रहे हैं, एक मास ओरिएटर बन गया है। मास ओरिएटर बने उनको हम बात कर लिए हैं, फिलहाल वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, नहीं बना रहे हैं, और उनका भी कहना है 2024 में बदलाव होगा और उन्हीं लोगों का साझा है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे, वो भाजपा के खिलाफत करते हैं, JMM के सरकार के खिलाफत कर रहे हैं, नीति का मूल्यों की राजनीति की भाषा परिभाषित करते हैं, और जयराम महतो एक रोल मॉडल, एक युवाओं का चेहरा आया है, देवेंद्रनाथ महतो आया है, और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो बगावती तेवर अपनाया है लोबिन हेम्ब्रम, JMM छोड़ा नहीं है, उनको भी कहेंगे, सुन रहे हैं कि 30 जून को वो बगावती ऐलान करने वाला है, हम उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी भी बनाता है तो लोबिन हेम्ब्रम का जो भी पार्टी बने
ये तो मंच है, तो पार्टी नहीं है, ये तीसरा मोर्चा के रूप में लोबिन हेमब्रम को भी साथ ले लेंगे, जयराम महतो को भी साथ लेंगे, देवेंद्र महतो को भी लेंगे, जल जंगल जमीन का जो भी लड़ाई लड़ रहा विस्थापन मोर्चा, महिला हो या पारा टीचर या आंगनबाड़ी का हो, ये तमाम ग्राम सभा तमाम लोग, ये मंच सबका साझा मंच होगा। मतलब तीनों पार्टियों के खिलाफ ये झारखंडी कर यानी तीसरा विकल्प 2024 में डट के सामने खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।